अस्सलामुअलैकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक बार फिर आपको अपने चैनल पे वेलकम खुश आमदीद अर्जियानो करता हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ दोपहर का खाना खाने के लिए एक ऐसी शॉप पे जो कि बहुत ही कमाल की है। मेरे ख्याल में जो है ना वो हम लोगों ने रात के खाने खा के जो है ना वो अखीर कर दिया, तो अभी जो है ना वो आप जो हम लोग जो है ना वो ट्राई करने वाले हैं दोपहर का लंच। तो लंच में क्या होगा, हलीम पाए बिरयानी शामी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने मेरी वीडियोस को लाइक कर देना और शेयर करना नहीं भूलना। मैं मौजूद हूँ हामद मटन चने एंड भोम पाए चिकन शामी कबाब शबाब, हाय हाय क्या बात है भाई। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। अब ये देखते हैं इनके पास मेन्यू में क्या क्या है। सबसे पहले जो है ना चेक करते हैं कि इनके पास कौन से ऐसे आइटम है जो हमने ट्राई करने हैं, हम अपनी जो है ना पसंदगी को चीज निकालते हैं। यहाँ पे जो है ना शामियां लगी हुई हैं बड़ी कमाल की, और क्या क्या है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई, मेरे साथ रहिएगा और देखना है मजे मजे के लजीज लजीज खाने। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे जो है ना वो क्या बन रहा है, पाए भोम पाए। ओए होए 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 होए, आप देखेंगे दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और पाए अभी तक ऐसे हैं जैसे अभी बने होते हैं। क्या बात है, बहुत आला जी, बहुत उम्दा। तो इसके अलावा मेन डिश मेन चीज जो यहाँ पे है वो होते हैं चने। चनों में क्या खास बात है वो तो आप खाए बगैर पता नहीं चलने वाला हमें। कर रहे हैं ये काम आप लोग तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से भाई जान जो है ये चने चने चेक करें, चने चेक करें आप। तो पैकिंग हो रही है, ऊपर डालते हैं तरी कंप्लीट कर देते हैं ना पूरे खाने को, क्या बात है। तो 4-5 साल से जो है चने बना रहे हैं भाई जान। तो ये देखें आप, ये है भाई जान, वाह जी वाह, अब पाए ना चने सामने, कमाल का जो है कमाल का चेक करता जी। ओए होए 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 होए, खुशबू चेक करें इसकी, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, कमाल हो गया जी। यहाँ पे जो है वो पोंग पाए बना रहे हैं, तो ये जो है ना वो पोंग है। कंप्लीट प्लेट रेडी हो गई है किसकी जी, पायो की, बोंग पाए जो है ना ये पूरे के पूरे हो गया रेडी। और इसकी आप लुक चेक करें, ये कितने कमाल के हैं माशाल्लाह से, बहुत उम्दा फ्रेश लगा हुआ है। इस तरफ जो है हलीम पड़ी हुई है, बिरयानी मौजूद है और साथ साथ जो है ना वो सारे आइटम मौजूद है जो कि आप लोगों के खाने के मुताबिक है एंड मेयार के मुताबिक है। और अभी जो है ना हम लोग भी यहाँ पे कुछ चीज ट्राई करने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं। हलीम जो है ना यहाँ पे बनी हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, आप इसका कलर चेक करें। और भाईजान जो है ना ग्लास में डाल के उन्होंने अपना एक आला रखा हुआ स्पेशल किस्म का जो जो है ना इसमें डाल के, तो आप ये देखें ये गई, ओहो अच्छा इसको डालने के लिए उन्होंने एक रखा हुआ ताकि ये गिरे ना और पूरी क्वांटिटी रहे, ये बहुत कमाल की बात है। आखिर में उसके बाद थोड़ी सी तरी उसको जो है ना वो डालते हैं ऊपर, क्या बात है जी, ये देखें जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। हलीम पैक हो गई, लो जी हलीम पैक हो गई। यहाँ पर लग रही हैं गर्मा गर्म रोटियां और नान और जो वो चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है, रोटी खानी है आपने, नान खाने हैं, आलू वाले नान खाने हैं, किसी भी किस्म का नान खाना है, गर्मा गर्म रोटियां रेडी हो रही हैं। रोटी की जो है ना वो आपने चेक करनी है कि इसकी जो है ना वो साइज कितना बड़ा है माशाल्लाह से। तो 100 ग्राम की मुझे रोटी लग रही है और ये 150 ग्राम की, 150 ग्राम की रोटी, ओ माई गॉड, ये तो 2 रोटियों के बराबर है। इसका मतलब ये पूरा इंसाफ कर रहे हैं यार ये खाने के साथ, क्या बात है जी, बहुत आला टेस्ट शर्त है, हम उस शर्त को पूरा करते हैं। और आइए करते हैं टेस्ट और फिर आपको जहां पे देते हैं रिव्यू और बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो है कमाल की। तो
तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं अवैध साहब, तो अवैध साहब से हम लोग पूछते हैं कि कब से ये सेटअप इन्होंने स्टार्ट किया हुआ, रश देख के तो मुझे ना यकीन नहीं आ रहा है। सर कैसे आप, कह रही है अच्छा अवैध साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके इस वक्त मैंने देखा रश तो जगह ही नहीं मिल रही, क्या मामला क्या है, क्या टेस्ट कौन सी ऐसी चीज देते हैं लोगों को जो है वो लोग आते हैं यहाँ पे? ये अल्लाह की रात का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है, ठीक है। हमारी चाहे तंदूर का मामला है चाहे हमारी दूसरी डिशेज है, हमने बिल्कुल क्वालिटी पे कोई भी बात नहीं देखी, हमने अच्छी चीज देनी है जिसकी बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी कस्टमर एक दफा आता है वो दोबारा आने पे मजबूर हो जाता है। 150 ग्राम की रोटी आपका ये क्या लॉजिक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि रोटी लोगों की छोटी होती है, इसका साइज भी बड़ा है, वेट में भी काफी अच्छी है, ये मुझे थोड़ा बताएंगे? सर बात असल में ये है कि जब आपने क्वालिटी दी तो उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, जो चीज हमने डिक्लेयर करनी है हमारी जो असल में जो क्वांटिटी है प्लस हमारा जो 150 ग्राम बोले तो 150 ग्राम निकलना चाहिए, यानी कहने में और है कुछ और देखने में कुछ और, ठीक है ना। इसी बेस पे कस्टमर सेटिस्फाई होता है और दोबारा फिर आता है कि ना दूसरी चीज हमें अच्छी मिलेगी, अच्छी चीज मिलने की बिना पे दोबारा कस्टमर आते हैं। अच्छा मुझसे मुझे ये बताइएगा कि आपकी सबसे बेस्ट डिश कौन सी है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक चल रही है, लेकिन हमारे जो फेवरेट हमारी जो अपनी ब्रांच की है ना वो हमारी हलीम है और चने हमारे जो, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा पाए भी हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में हमारा जो शामी का काम चल रहा है, बिरयानी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तंदूर की सारी आइटम्स हमारे पास हैं। अच्छा मैं वही देख रहा था बिल्कुल, मेरे व्यूअर्स अगर आप देखें तो इनके होटल पे स्टार्ट से ही रश था, उसके अलावा जो है ना एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे मिली के फ्रेश चीजें हैं, मतलब छोटी अगर आप कह रहे हैं कि ये किचन जो है लाइव चल रहा है तो उसके जो है ना वो कंसिस्टेंटली आग जो है ना वो फायर चल रही है, तो बड़ा एक अच्छा सेटअप है, बहुत ही कमाल का जो है ना इन लोगों की जो है ना वो सर्विस बड़ी कमाल की है, क्विक सर्विस है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, हम जब तक फूड टेस्ट नहीं करेंगे ना तब तक रिव्यू नहीं देंगे, मुझे लग रहा है कि खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है, तो बहुत इंशाल्लाह थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आइए चलते हैं और अभी जो है अंदर बैठे जो खाना खा रहे हैं ना उनसे भी कोई रिव्यू लेते हैं। सिटिंग चेक करवाता हूँ मैं इनकी आपकी, खाना खाते हुए किसी को तंग तो करना नहीं चाहिए, वैसे सुनन तो ये बनता है लेकिन मैं डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा बिरयानी भाईजान खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बिरयानी नोश फरमाई जा रही है। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि कब से बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ? सर मैं यहाँ से 6 माह पहले आया था इधर ऐसे की है, तो उसके बाद मैं कहीं संभड़ियाल में किसी और जगह पे जाने का दिल्ली नहीं गया। अच्छा तो क्या बेस्ट क्या लगता है आपको इनकी, सबसे बेहतरीन क्या चीज है? सर फूड में यही होता है कि आप जो खा लेते हैं ना उसके बाद जो आपको लज्जत और सुकून मिलता है ना वो इस खाने में है। अच्छा लज्जत और सुकून इस खाने में है। भाईजान ये बात सुने तो आप ये देखें कि उन्होंने बिरयानी और साथ में शामी कबाब रख के खाए हैं, हलीम बड़ी कमाल की है इनकी, हलीम कमाल की है। हाँ अलीम को उन्होंने रेट कर दिया भाईजान 10 out of 15, कमाल हो गया। तो सर आप अपना फूड एंजॉय करें, बहुत शुक्रिया आपने जो हमें व्यूज दिए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। यहाँ पर जो है ना हमारा खाना होके आ गया है, रेडी तैयार होके आ गया यार, क्या कमाल का सीन है, चने हैं साथ में, पाए हैं साथ में, शामी है और एज यूजुअल रायता। तो अभी जो है ना हमने इसको क्या करना है वो करना ट्राई, और मेरे प्यारे भाई जावेद साहब के कहने के ऊपर यहाँ पे क्या मौजूद है, गार्लिक नान, हाय 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 हाय। तो अभी हम लोग जो है ना इसको करने वाले हैं ट्राई और आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे कैसे कब और क्यों आना है, तो हम लोग जो है ना वो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके चने ट्राई करूंगा क्योंकि बेसिकली जो है ना जो एक बेस होती है किसी भी जगह की वो चने ही होते हैं। तो अभी जो है ना आप चेक करें कि तरी उतनी कितनी कमाल की आई हुई है, ये देखें, हाय 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 हाय। तो चने ना खोए वाले लग रहे हैं मुझे, आप यकीन जाने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुई 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 हुई, कमाल हो गया जी। आप इसका जो है ना चेक करें, इसका कलर चेक करें कितना प्यारा है, नान को ना भर दिया इन्होंने। तो अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं, जबरदस्त जी। मेरा ख्याल है कि इनके ये चने ना लाहौर से माखूज हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने लाहौरी चने भी बहुत खाए हैं और
यहाँ पे ये भी क्लासिक चने हैं, बड़ा कमाल का टेस्ट है। अब यकीन करें कि मुझे ना बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बाइट ने बताया कि भाई मैं हूं, ओए होए 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 होए, सेकंड बाइट इज ऑलवेज जालिम यार, कमाल हो गया, चेक करें चेक करें, हाय हाय हाय। मजा आ गया बहुत ज्यादा। वक्त हुआ जाता है, अब हम करें ट्राई इन पायों को। ओए होए 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 होए, गार्लिक नान का टूटना और फिर यूं ये पायों में जाना, सुभानअल्लाह, वाह मेरे मौला तेरी कुदरत। चेक करें यार क्या कमाल का मीट है। ओए यार बोंग जो है ना आज छोड़ नहीं रही मुझे ना, जालम हो गया। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो है ना शोरबा, उससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया यार। इस वक्त जो है ना भूख मुझे बड़ा मजा करवा रही है, तो आपने ये चेक करना है कितना टेंडर मीट है, कितना कमाल का, कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है, और पायों में जूस ना हो ऐसा हो सकता है भला यार। जबरदस्त, चेक करें इस बाइट को। मजा आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बातें अपनी जगह, मैंने ये शामी मंगवाई है, मैंने कहा शामी भी टेस्ट करते हैं इनकी, तो थोड़ा शामी को भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ना हालांकि बेशक दोपहर है लेकिन ये चीज शाम को ट्राई करने वाली है, हम इसको दोपहर में ट्राई करते हैं। ये चेक करें, रात के टाइम तो शामियां हर बंदा खाता है, दोपहर के टाइम वाली शामी चेक करें, कमाल हो गया बहुत आला। अकील हो गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। शामियां बहुत कमाल की है, पाए कमाल के हैं, चने उससे भी ज्यादा कमाल के हैं। खाना जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप ये देखें चने भी हमने काफी सारा खूब खाए हैं और शामी भी खा लिया और रह गए पाए। तो पायों के साथ थोड़ा सा मैंने इंसाफ करना है, इसलिए मैंने अभी तक जो है ना वो रखे हुए थे अपने पास। इट्स अ पाया टाइम राइट नाउ, और अभी जो है ना पायों का शोरबा मैंने पीना है। तो कहते हैं ना कि फाइनल टच जो है ना, मैंने आखिरी लेयर लगानी है वो पायों की लगानी है। तो ये देखें, ये आप चेक करें, ये जालम मेरा इंतजार कर रही थी। आप ये देखना है यार कमाल का जो है ना ये इसका, हाय 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 हाय, ओ जालमो चेक करो इसको, कलर चेक करो इसका, इसको जो है ना वो टेस्ट करना है और अपने खाने को यहीं पे फाइनल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मजा आ गया। रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल मैं जो है ना इसको 10 out of 10 ही करूंगा, क्योंकि जो चीज जो डिजर्व करती है हम उसको उधर ही रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह द फूड इज ग्रेट, और हम तो फिर है ही हैं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना है, शेयर करना नहीं भूलना, और पाए खाने हो तो हमद मटन सियालकोट समरयाल में आप जिस जगह भी आए आके आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉल कीजिएगा और आके यहाँ पे इनके पाए खाएं, कस्टमाइज बनवाएं, इनकी हलीम खाएं, इनके नान ट्राई करें, और इनके जो है ना वो चने शामियां बिरयानी, आ हा हा हा, अखीर हो गया। ऑल थिंग्स आर ग्रेट, और सबसे ग्रेट अल्लाह की जात। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
यहाँ पे जो है ना ये तंदूर सेक्शन वाले ना बहुत ही ज्यादा जो है ना इनकी क्यूरियोसिटी थी, वो कह रहे थे कि हमें भी जो है ना वो आप वीडियो में लेके आए। तो मैंने कहा इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम जो है ना वो मसरूफ है खाना बनाने में, सॉरी रोटियां तंदूर पे लगाने में, तो मैं बच रहा हूँ ऐसे जैसे वो चाइनीज नहीं होते कि पीछे कोई बाजू रंग मुझे लग जाए। तो सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कब से ये काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 15 साल से। 15 साल हो गए तो ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि सबसे बेहतर कौन सा नान लगा लेते हैं आप? रोगनी नान। हमारे वैसे सारी वैरायटी अच्छी है, सारी वैरायटी। वो तो हमने टेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनके सारे नान बड़े कमाल के हैं। 15 साल से मेरे प्यारे भाई काम कर रहे हैं। तो प्यारे भाई मुझे ये बताएं कि आप जब रोटी लगाते हैं, ये बनाते तो दूर में लगाते हैं, आपके हाथ नहीं जलते? जलते हैं लेकिन अब आदत सी हो गई है। ये आदि हो गए हैं। आप देखिए इन्होंने बाजू के ऊपर ना यहाँ पे क्या चढ़ाया हुआ है, ये मुझे दिखाइएगा। ये भी बाजू ही है इन्होंने चढ़ाया हुआ ताकि सेक जो है ना वो ना पहुंचे इनकी बाजू को। तो बड़ी मेहनत से यार ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अदा करे। सबसे बड़ी बात देखे ना, ये देखे, ये भाई ने कैप ली हुई है और ये खड़े हुए हैं, अल्लाह खैर करे। और यहाँ से रोटियां उठा उठा के फेंक रहे हैं ऐसे ना, तो बस बनती जाए। क्या बात है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। अफजाल, मोहम्मद अफजाल साहब मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अफजाल साहब कब से लगा रहे हैं रोटियां? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए ये रोटियां लगा रहे हैं। तो अफजाल साहब अल्लाह पाक करे खैर करे, मतलब कब तक ये इरादा है कि आपने यही काम करना है? इतनी देर तक जिंदगी है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे, मेहनत में अजमत है भाईजान। मोबाइल चेक करें, इन्होंने डाले हुए हैं अपने शॉपों में डाले हुए हैं। तो चलिए जी, बड़ा मजा आया। अभी हम चलते हैं यहाँ से, अपना ख्याल रखिएगा।